आया है सभी को दिल मेरे दिल से तहे दिल से नमस्कार। और मैं विश्वास है कि आप लोग भी जो सच्चाई को जानने के लिए, और हम अभी देखा है कि हमारे अरुणाचल में मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा मीडिया, हम लोग पहले विश्वास नहीं था कि मीडिया ऐसा अरुणाचल में रोल लाएगा। अगर मीडिया शायद ऐसा ही रोल लाएगा तो मेरा ख्याल से आने वाला फ्यूचर हम लोग का बहुत उन्नति होगा, मेरा ये सोच है। और आज इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ मैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस किस क्या कारण से मैं कर रहा हूँ। तो मेरा नाम तो सोल दोदम है और मैं एक छोटा मोटा यहाँ थोड़ा सा यहाँ ये यहाँ टेनिस कोर्ट ना, यह टेनिस कोर्ट में यहाँ थोड़ा सा हम लोग बैठा है कि सरकार के इंतजार में हम, उम्मीद होता था कि सरकार जो मेरा बात मानेगा, बल्कि आज हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है, मेमोरेंडम कल सबमिट किया था, तो आज हम लोग पूरा कागज़ आप लोग को सर्कुलेट किया है। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता था कि हमारा आज ASCO हमारे वहाँ का पेरेंट्स बोर्ड है, जो पेरेंट्स जो हमें सबसे जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस संगठन को हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं और सबसे हम उससे बड़ा मानते हैं, आज उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हम काफ़ी दुख हुआ। हमारा सच बात आप लोग को बताएगा, क्योंकि हमको भी, हम पहले सच बात बोलता था और हम अभी भी सच बात ही बोले, क्योंकि हमको घुमा फिराना और दूसरा को एलिगेशन लगाना हमको बिल्कुल पसंद भी नहीं और हम करना भी नहीं चाहता ये है, क्योंकि कब तक झूठ का सहारा जीते रहेगा लोग, और झूठ का सहारा जी के भी हम लोग फायदा नहीं। इसलिए हम सोचते हैं कि सीधा सीधी बात करना चाहिए। आज हम देख रहा था कि हमारा पेरेंट्स बॉडी ASCO का कुछ मेंबर लोग ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए मेरा सांस खराब है, हम बोलने नहीं सक रहे, हाँ सीधा बता रहे, गाला पूरा खराब है, पाँव भी पूरा दर्द, हम बोलना भी नहीं था, लेकिन वो लोग का वीडियो को देख के काफ़ी दुख हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मीडिया बुलाया है। वो लोग का बात को सुन के इतना दुख लगा, अच्छा नहीं लगा है, इसलिए हम जो आज मीडिया बुलाया है, हम बोलने भी नहीं सक रहे, पूरा दर्द है गाला भी और पाँव भी पूरा दर्द है, दिन भर हिला भी नहीं, सो के बैठे। तो आज ASCO का वहाँ देख के हम ASCO लोग हमको एलिगेशन लगाया था, आज एलिगेशन लगा रहा था कि वो लोग को नहीं बता के गया है और इस कामिंग का नाम बदनाम कर रहा है। और हमारा DC साहब ने वहाँ पर फिर एक ऑर्डर निकाला कि सर्चिंग कमेटी ASCO को भी दिया। अभी हम इतना दुख लगा कि DC को भी लिखना, तो किसी और को लिखना था, ASCO को ही क्यों? क्या आप लोग सब ASCO आज हमको एलिगेशन लगाया है, हमने DC को अनाप शनाप बोला, ASCO को फर्स्ट हम एलिगेशन लगाया, ठीक है हम कभी बोल भी जाता है, हम मीडिया के सामने ये आकर बोल रहे हैं, बोल भी देते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है, हर कोई एक वोट पूछने वाला को पूछते रहते हैं, हर मीडिया एक को 10-20 बार पूछता है, माइंड फर्स्ट रहता है। उसके बाद ASCO ने दूसरा मुझे एलिगेशन लगाया कि वो लोगों ने नहीं बताया है, उसके बाद बोलता है कि हाँ अटैक करना तो बहुत गलत बात है। मैं ASCO से अभी सवाल करना चाहता हूँ, मेरा वहाँ में पेरेंट बॉडी बोलते हैं ASCO को, सब लोग इज्जत करते हैं ASCO को, हम भी एक ASCO है, सिर्फ वहाँ में ASCO मेंबर होने से ASCO नहीं होता है, दिल ASCO होना चाहिए, दिमाग ASCO होना चाहिए। हम आई लव यू सिपा बोलने से नहीं होगा, हम आई लव यू अरुणाचल बोलने से नहीं होगा, हमारा दिल दिमाग आई लव यू होना चाहिए। आज हमारा ASCO ने साबित कर दिया, हम सिर्फ मुख से बोल रहे हैं, मेरा दिल में कुछ सपा के लिए कुछ नहीं, हम वो बताने आ रहा हूँ। जो ASCO हमको आज बोल रहा था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब भारत सोनम मारा था, हम लोग एम्बुश करके मारा था, उस दिन को भारत सोनम घर में था, कुछ पुलिस लोग का स्टेटमेंट है, ये पुलिस आईओ का स्टेटमेंट है, OC का भी स्टेटमेंट है कि भारत सोनम घर में था, वो लोग 3 बार गया है भारत सोनम के घर में, भारत सोनम बोला है कि हम नहीं था, हम तो फील्ड में था, कोई लड़का का साथ में था, और वो लोग एयरटेल ऑफिस का वहाँ से वीडियो फुटेज को चेक करेगा, हमको ऐसा बोला। अभी आज ASCO मेरा एल्डर ASCO लोग बोलते कि भारत सोनम तो वहाँ में चेंगता जो में लुंगते में चीफ गेस्ट था, भारत सोनम तो वहाँ नहीं था। क्या ASCO आप लोग SIT को क्या देना चाहेगा बस भारत सोनम का फ़ोन नंबर? आप लोग का पास हिम्मत है? ASCO टीम का सवाल करते हैं, हम 100% बोल सकते हैं, यकीन के साथ बोल सकते हैं, और हम दावा कर ये कर सकते हैं कि उस समय में भारत घर में ही था जब हमको मार के गया है। सब आदमी ने देखा, दीपक सोनम जो बंदूक पकड़ के गया है स्कॉर्पियो में, सब देखा, भारत सोनम आगे था, एक चला रहा था,
दीपक सोनम गया और नेपाल अपन पीछे में था और एक लड़का था बोल के सब देखा सारा सप्पा दिखा आजको आज युद्ध मौत इतना अच्छा से सुंदर से सफाई देते बार सोनम तो वहाँ में था इतना युद्ध मरने वाला को मेरा हमारा दीसी जो ये बोलता है कि सर्चिंग कमेटी में आसको को लाना मुझे कभी कभी दुख भी होता है सपा दीसी पर कभी कभी इसलिए वो अलग सा वोट निकल देता है क्योंकि हम इंसान है इंसान है हम गलत बोल भी सकते हैं गलत कर भी सकते हैं क्योंकि मेरा ऊपर गलत सोचने थे हमारा आसको ने आज बोल रहा था कि हम लोग को बताया नहीं और हम लोग मालूम भी नहीं है आप लोग हम रियल बात बताएगा जो वहाँ में इस बार गोल्डन जुबली न्योकुम में था हर कोई गंदा पानी पी के गया टॉयलेट पानी पी के गया हर कोई सिर्फ ऊपर में सुंदरता दिखाया है लेकिन जो जो जितना वहाँ में स्टॉल बनाए वहाँ का जितना स्टॉल था वहाँ में पूरा टॉयलेट पानी था हम आपको सच बात बता रहा आज आप लोग बोलते हैं कि इस कमिंग को हम बदनाम कर रहे हम दिल का बात बता रहे सब गंदा पानी था उसमें आज को क्यों नहीं बोला है न्योकुम कमेटी को न्योकुम कमेटी को बोलना चाहिए था ये पानी जो गंदा है अब ये पानी मत पीला इस बार न्योकुम खत्म होने का बट क्रिश्चियन का युद्ध तिलवार जुबली बड़ी बाबल बोल जी इतना सारा आदमी आया है बोले भी पूरा गंदा पानी ही पी के टॉयलेट पानी पी के गया हमारा आसको क्यों नहीं बोला है पीएचई डिपार्टमेंट डीसी अब ये पानी को हटाओ ये जो जितना बाहर से आ रहा है वो गंदा टॉयलेट पानी पी रहा क्यों नहीं बोला है आपका इस बार मिथ अरुणाचल किंगफिशर वहाँ में हुआ है सेपा में पूरा वही पानी पी के गया है हमारा आसको एक बोर्ड भी नहीं बोला क्यों अभी बोलता है कि आसको को हमको एंटीमेशन देना चाहिए आसको को बताना चाहिए आप ऐसा क्यों करें आसको का बॉस कौन है हम अभी पूछते हैं आसको का बॉस भारत सोनम और बोलता है कि भारत सोनम का नाम मत लो तो किसका नाम लो जानवर का नाम लो का भारत सोनम में तो भारत सोनम तो नाम लेगा आप लोग बोलिए भारत सोनम में तो भारत सोनम तो नाम लेगा डिप्यूटी कमिश्नर हमको बोला था डीसी डिप्यूटी कमिश्नर डीसी नहीं बोलना चाहिए तो डीसी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा कोई और नाम आप लोग दीजिए आसको हम शर्म लगते हैं आसको को आज तक आसको डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं किया हम बोल रहे कुछ नहीं किया काली एक है वो लोग का कुछ ऑर्गेनाइजेशन बस कुछ प्रोग्राम कराना कल्चरल कराना वही है डेवलप आसको क्या क्या हमको बताओ हम जो साफर पाऊँ बोल के एक साफर पाऊँ उसको छोड़ के आसको का एक भी आसको का चेयरमैन ऐसा एक मैन चेयरमैन बताओ जो अच्छा वाला जो गवर्नमेंट क्वार्टर को नहीं लिया है बताओ आसको का एक भी बताओ गवर्नमेंट क्वार्टर को जो नहीं लिया है आपको पता है अभी भी जो आगे हमको बराबर एक आसको का बात कर रहा था वो आसको जो अभी हॉर्टिकल्चर का आगे में तो गाड़ी पार्किंग प्लेस है आगे में गाड़ी का रखने का स्टोर है पीछे में मैं पूरा घर के बना के रखा है आप लोग को विश्वास नहीं तो अभी भी मीडिया जा सकता है डीसी ऑफिस का पीछे में है कुछ करप्शन है हमको एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए आप लोग हम चाहते थे बट फोटो खींच के हर मीडिया का वहाँ में या तो मेरा पेज में बात को डाल देगा जो आसको आगे बात कर रहा था हमको एलिगेशन लगाना और बोल रहा था आसको जो ये बोल रहा था कि वो हमको नेगोशिएट करेगा हम क्लियरली बोल रहे हैं इंटायर अरुणाचल जानता है करप्शन है इंटायर सेपा का जितना गरीब बच्चा लो है गरीब आदमी जानता है कि करप्शन है गंदा पानी पी रहा है आप जो बोतल पानी मिनरल वाटर पीते हैं तो आपके लिए अच्छा है लेकिन जो गरीब पानी पाइप का पानी पीता है उसके लिए बहुत खराब है हम कभी हार नहीं मानेगा आप लोग अभी बोल रहे हैं कमेटी बनाएगा उसका बात करेगा वो आप लोग की शायद सोच गलत है मेरा हम आगे स्टैंड है इंटायर अरुणाचल जानना चाहिए एक लड़का ऐसा भी पैदा हुआ है सोल नौना मर भी गया तो ऐसा सोचना चाहिए कि एक लड़का ऐसा पैदा हुआ है जो एक बार स्टैंड करते तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा बोलने वाला हम आप लोग को ये प्रोमिस करके बोलते सारा इंटायर अरुणाचल को सारा नॉर्थ ईस्ट को हम ये बोल के बोल वादा करता है आप लोग जो प्लानिंग बना रहे वो बेकार है हम बात नहीं मानेगा क्योंकि मेरा बात गलती नहीं हम जेन्युइन बात कर रहे हैं और वो ये डीसी का जो वो है उसको हम नहीं मानेगा हम क्लियर बता रहे हैं अगर जज करना है तो यहाँ से हाई लेवल से करेगा सपा का कोई भी एक बच्चा तो कभी अगर वहाँ में शामिल करता है तो हम नहीं माने क्योंकि सब आदमी पीएचई एक्शन भारत सोनम से डरता है वहाँ में बच्चा डरता है बस एक ही आदमी नहीं डरता वो हम है हम अभी तक लड़ रहे हैं अभी कोई कोई लोग जाग गया है कोई कोई नहीं डरता अभी बहुत सा यंग लड़का लोग अभी नहीं डरता है बहुत सा बूढ़ी बूढ़ा वो अभी नहीं डरता है क्योंकि हम सच को बोलते हैं और हम सच का हम कभी झूठ के सामने हम कभी सर नहीं झुकाएगा ये मेरा अब स्टैंड है आज को लोग बोल रहा था कि हम लोग
एक कोर कमेटी बनाएगा, एक साइड बनाएगा। मेरा लिए ये स्टैंड है, हमको कोई भी आने से नहीं नहीं मानेगा। हमको सिर्फ सीएम पेमा खांडू जी, मुझे उम्मीद है वो हमको मिलेगा और उसे हम बात करेंगे। मेरा जो सच्चाई है उसको दिखाएगा, हम वीडियो दिखाएगा, फोटो उड़ा देगा सपा में कितना खराब है। हम आज सुनने को मिला है कि हमारा आसको जो काला बिल्ली की तरह मेरा रास्ता कट रहे, क्या बोल रहे, बोलते हैं कि सोल डोंदम को सीएम को नहीं मिलना चाहिए, सोल डोंदम तो ऐसे फालतू लड़के, ऐसा लड़के जो सोल डोंदम आज तक सपा में किया, तो आज तक आसको छोड़ो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, मेरा पर्सनल हम आपके सामने बोल रहे हैं, आज सारा मीडिया के सामने हम दिल खोल के बोल रहे हैं। सोल डोंदम जितना काम किया है, डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, आज तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया होगा, ना कभी कर सकेगा भी है। हाँ, फ्यूचर में आने वाला यंग जनरेशन कर सकेगा, हम उसको भरोसा करते, लेकिन कोई एसोसिएशन ऐसा नहीं कर सके। हम आप लोग के सामने बोल रहे हैं, हमने सपा का चावल को दाम कम किया, चावल को बढ़ाया, लाइट नहीं था, सपा को लाइट लाने में, सपा को अभी जो टीपी था लाइट लाने में मेरा पूरा फुल था हाथ था। सपा गैस सिलेंडर इतना दाम था, अरुणाचल का हाईएस्ट दाम था, उसको कम करने में सलोन थोल डाउन का पूरा हाथ था। कुछ ऑफिसर लोगों ने कोविड 19 में 10% का चार्ज लगाया था, उसको हटाने में सोल डोंदम का पूरा हाथ था। उसके कारण हमको काफ़ी एफआईआर भी कहना पड़ा, वो एफआईआर भी पूरा मेरे पास है। हमको हमेशा बोलते हैं, आप तो कोई पब्लिक के लिए वहाँ में कोई करने वाला नहीं, हम आपको क्लियर बोल रहे हैं, सोल डोंदम जितना किया है आप तो इस कमिंग में कोई करने वाला नहीं। हम आज स्टैंड बोल रहे हैं, जब तक यह पानी का हल नहीं निकलेगा, पानी का हल आप साफ पानी नहीं पिलेगा बोले, हम तब तक यहाँ बैठते रहेगा मरते दम तक, क्योंकि मैं हम सपा जाके क्लियरली बोला मेरा लाइफ प्रॉब्लम, मेरा राइट लाइफ ब्रेक्स है। आप लोग देखा होगा वहाँ डीसी जो पीएचसी एक्शन भारत सोनम का साथ है, एसपी भारत का साथ है, आस्को भारत का साथ है, सिर्फ पब्लिक मेरा साथ है। अभी आप लोग बताएगा मेरा रेक्स नहीं है, हमको एम्बूस करके मारा है, लेकिन भी वहाँ में बोलते कुछ नहीं हुआ, कंडम करते हैं, बोलते हैं कि हम सोल डोंदम को मारा है, आज बोल रहे थे सोल डोंदम को मारा है, हम कंडम करते हैं। आस्को का कुछ लड़का लोग बोल रहे थे, हम आपको रियल बात बोले, जो आस्को का बहुत लोग कराने वाला लो ना, इस कमिंग का टॉप लिस्ट घोटाला में आता है, उसका एक एक सबूत को हम बात को डाक देगा, जो पीछे में दो लड़का करा रहा था ना। अभी हम आपका सामने क्लियरली बोल रहे हैं, हम पहले से बोला है मेरा बीच में बिल्कुल मत आओ, हम आप लोग का खिलाफ नहीं है, हम पीएचसी के खिलाफ है, हम किसी का खिलाफ नहीं, मेरा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं। पीएचसी जैसे ही सपा पानी पिलाएगा हम छोड़ देगा बोला था, पीएचसी जैसे ही रास्ता बनेगा हम छोड़ देगा बोला था, लेकिन कुछ कुछ आगे पीछे कराने वाला लोग टॉप लिस्ट इस कमिंग में घोटाला में आता है, हर किसी का केस रिव्यू कर देगा, और जो हमको भाषण दे रहा था वो ये क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर का ये गाड़ी ग्रेस को, आगे में गाड़ी ग्रेस है, पीछे में पूरा घर बना के अपना रेन बना रहा है, हम बता रहे हैं, उसको भी आप लोग के सामने हम रख देगा, क्योंकि हम झूठ बोलना पसंद नहीं करते। और वो लोग बोल रहे थे कि सोल डोंदम जो एक ऐसा लड़का वो लोग को इज्जत करता था, हम पहले आस्को को बहुत इज्जत करता था, हम आज दिल से आप लोग के सामने बोल रहे, जो इज्जत करता था आज आप लोग भी शायद भारत सोनम के आगे बिक गया है, उस करोड़पति के आगे आस्को भी बिक गया है। आस्को कौन है, आस्को का बॉस कौन है, हमको बोलते आस्को को क्यों नहीं बताए, आस्को में कौन है बॉस, भारत सोनम। पीएचसी में बॉस कौन है, पीएचसी में बॉस कौन है, भारत सोनम, हम किसको बताएगा, आप लोग बोलिए। डीसी को अभी कौन रोल कर रहा है, भारत सोनम। एसपी को कौन रोल कर रहा है, भारत सोनम। उस आदमी के आगे हम सर झुकाएगा, सर कहता ना मंजूर करेगा लेकिन झुकाना मंजूर नहीं करेगा। हम पूरा सारा स्टेट सारा नोट इसको हम ये संदेश दे रहे हैं, हम मर भी जाए ना लेकिन झुकाएगा नहीं। अगर कोई भी हमको कंप्रोमाइज़ करेगा बोलेगा ना, कोई भी कंप्रोमाइज़ करो, कोई भी ये करो बोलेगा, हम मेरा ये दिल से आप लोग को बता रहे हैं ये हम मंजूर नहीं, क्योंकि हम स्टैंड रहना चाहते हैं। अगर हम कल को हम बेकसो हो गया, मेरा जितना ये भाई लोग देख रहे हैं हमको भरोसा करता है, आने वाला फ्यूचर है, ये लो हमको क्या क्या नज़र से देखेगा। सीएम साहब सिर्फ बोलना है, गवर्नर और सीएम साहब बोलना है, सोल डोंदम तुम्हारा बात हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा, हम लोग भी भारत सोनम के सामने झुक गया है, हम लोग पीएचसी एक्शन के सामने झुक गया है, सारा स्टेट गवर्नमेंट झुक गया है बोलेगा तो अगर हम तब मानेगा। ये है मेरा बात, ये इस कमिंग का होगा। हम आस्को को कंडेम करता है आज आस्को को, क्योंकि जो आस्को का बात था वो वैल्यूलेस था, जहाँ सारा स्टेट का जितना भी लोग है आप लोग प्लीज़ हम बता रहे हैं, कुछ जो हमको बोल रहा था वो हमको दो तीन बार बोल रहा था कि कंप्रोमाइज़ करो, हम नहीं माना, हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं माने, क्योंकि कंप्रोमाइज़ करेगा आप लोग को हम बताएगा। पिछला 2009 या 2013 के बीच में हमारे वहाँ में एक दो WTPC आया था, मचान, ये मचा नदी सब भाई लोग जानते हैं, मचा में एक आया था, उसको घोटाला कर लिया गया, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज को पूरा मालूम है, कॉम्प्रोमाइज़ भी
करते थे, मैं भी पूरा उसको मालूम है। जब एक्सू ने उसका आवाज उठाया अचानक में गायब हो गया, उसका कारण मजबूर के कारण हम लोग आज गंदा पानी पीने को मिल रहा है। हम ऐसा होने देना नहीं चाहते। हम भाई बहन लोग आप लोग सुनिए, हम सपा को दोबारा गंदा पानी पीने मजबूर कराना नहीं चाहते, क्योंकि उस समय में आजको 100% मालूम है, मेरा पास सबूत का सर है, आजको पूरा 100% मालूम है। उस समय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोलो ही क्या था, आप लोग हम बता रहे हैं यहाँ। उस समय में मचा नदी जो 10 करोड़ 7 लाख का सेंक्शन हुआ था, वो आज हम लोग तब भी हम लोग गंदा पानी पीने, अगर वो सक्सेस होता आज हम लोग फिल्टर का पानी पी रहा होना था, लेकिन आज हम लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। हम क्या मांगे हैं, मेरा क्या पर्सनल है, हम सिर्फ रास्ता को जो पीएचई रास्ता को खराब किया वो उसको तो सिर्फ बनाओ बोल रहे हैं, उनमें मेरा क्या चीज़ का पर्सनल है। जो गंदा पानी सब हर कोई वीडियो बेचता है, हर कोई वहाँ में ये न्यूज़ बनाता है, उसको तो सिर्फ बनाओ बोल रहे हैं, क्या वो मेरा पर्सनल है क्या, मेरा क्या पर्सनल है। अब सब जनता देखिए करप्शन है उसमें, जो न्याणी वैली तू ये क्या था वो न्याणी वैली वो उसका बट वो जो अभी WTV से बना रहा है वो पूरा हम बोल रहे हैं वो घोटाला हुआ है, उसमें हम लोग को प्रूफ नहीं दे रहा है। जो एक्शन है हम आरती मारा है लेकिन यहाँ में अभी भी मेरा फोटो खींच के रखने वाला, लेकिन हमारा वहाँ PHA एक्शन जो रिसीव नहीं करने का कारण थे, अभी भी मेरा पास फोटो है। आप लोग सोचा होगा हम झूठ बोल रहा होगा सोचा होगा, हम कल ऐसे ही चेक कर रहा था तो हमको देखा ही मिला, यहाँ में हम सच मुझे आरती मारने वाला मेरा अभी भी है। तो हम ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो ये हो रहा है ये हमारे इस्कामिंग में बहुत ही गलत हो रहा है। अगर आप लोग देखिए, अगर इस्कामिंग में ऐसा ही होते रहेगा सारा समाज गलत हो जाएगा। आप लोग हमें अभी दिखाएगा थोड़ा से, देखिए यहाँ में मेरा हम अगर कई कागज लाने से आप लोग बोल रहे थे कि सोल नोदम झूठ बोल रहा है ना, सोल नोदम आरती नहीं मारा झूठ बोल रहा है, रिसीव नहीं किया, आप लोग हम बता रहे हैं। यहाँ में 16 दिसंबर 2021 1:36 में हम ये फोटो को क्लिक किया था कि वो जब रिसीव नहीं करेगा बोल के, अगर हम उस समय में हम गलत बोल रहे, देखिए आप लोग यहाँ मीडिया लोग क्लियरली देखिए रीड आउट कर, हाँ हम इसको रिजर्व करने से हमें नहीं मिलेगा, आप लोग चाहिए तो आप लोग हम दे देगा, आपका मोबाइल में ही लेके रखो, आपको हम दे देगा, क्योंकि हम ये आज देख के मिला है। तो ये हम आरते मर्द हमको नहीं दिया आज, हम शर्म भी लगता है कि मेरा कुछ लोग बोलता है कि सोल दोदम ने सपा को बदनाम कर दिया। हम चाहता था कि अरुणाचल में हर कोई डरे कि करप्शन करने वाला आदमी डरे, तो ये था मेरा बात। और सेकेंड बार हम ये आपको बता रहे हैं, हम परसों जितना सारा इंटायर अरुणाचल सारा नॉर्थ ईस्ट सारा मेरा इस्कामिंग का लोग हम ये अपील करता है, परसों अगर कल हम कल रुकेगा परसों रुकेगा, अगर हमको स्टेट गवर्नमेंट जो अगर हमको तब भी नहीं मिलता है तो हम बोला कि 5 दिन तक बोला न तो 5 दिन होगा, हम लोग यहाँ से एक बार मेरा ये लाश है, हम लोग जितना पब्लिक आप लोग यहाँ आ जाइए, यहाँ गैदरिंग हो जाइए, यहाँ से हम लोग गवर्नर का वहाँ में कागज सबमिट करेगा, हम लोग गवर्नर को मिलने के लिए ट्राई करेगा, अगर गवर्नर भी नहीं मिलता है बोलने से तब मेरा लाश फैसला होगा। हम सीधा बता रहे हैं ये मेरा लाश है, हम कल रुकेगा परसों रुकेगा गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि मेरा बात जिन्होंने हम कोई बड़ा चरा के भी नहीं रखा है, बस हम बोला है कि जो मेरा लड़का लोग को मारा है उसको तो इंसाफ दे दो बोला है बस, क्योंकि सब मीडिया में देखा है। उसके बाद हम जो यही बोल रहे हैं कि हम लोग को हम गवर्नर का पास जाएगा, गवर्नर का पास जाके हम लोग सारा स्टेट का लोग को हम ये अपील करता है कि जितना भी पब्लिक देख रहे हैं मेरे साथ चलिए गवर्नर का वहाँ में, हम लोग यहाँ से यहाँ चीफ सेक्रेटरी यहाँ में हम प्रोटेस्ट करके बैठेगा वहाँ में, तो आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बारे में। आप जो पहले से मेंशन कर रहे हैं एस्को ना, क्योंकि हम लोग का ऐसा व्यूअर्स भी है जो सेपा का ये ऑर्गेनाइजेशन यूनियन के बारे में मालूम है, तो एस्को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और आप उसको क्यों रेस्पेक्ट करते थे, उसका पावर क्या था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। देखिए एस्को बोलने से एस्को जो किसी का पॉकेट का नहीं है, एस्को जो ऐसा है कि एक पेरेंट्स बॉडी है वहाँ में एस्को जो एक पेरेंट्स बॉडी है जो हम लोग सब मानता है, तो हम ये सिर्फ बात बोलते हैं कि एस्को जो एस्को होता है वो उसको नौकरी करने वाला को मत दो, इसलिए हमको गुस्सा करता है। हम बोले एक पेरेंट बॉडी है जो पब्लिक सेवा करना चाहिए, जो ऑफिसर को लड़ना चाहिए, ऑफिसर को बात करना चाहिए, दमदार होना चाहिए, काम करना, जैसे कि कौन था वो पाँव वाला साफर ना, साफर पाँव जैसा होना चाहिए। हम बार बार बोले हम पहले भी जब आनंद पाँव ना साफर, हम सिर्फ साफर पाँव जैसे होना चाहिए बोलते हैं, इसलिए ये हमको करा पाता है।
हम कुछ नहीं बोलते है। हम बोले जाफर पाऊ जैसे वाला आदमी को बनाओ जो स्ट्रॉन्ग है, जो काम करता है, हाँ, कोर्टर को भी नहीं लेते, गवर्नमेंट जमीन को चोर नहीं करने वाला, ऐसा बनाओ बोला है तो हमको पीएचए एक्शन जो कुट का बाहर का कोर्टर जो बाहर स्त्री कोर्टर को ना किसी को अलॉटमेंट दे दिया। हम झूठ बोल रहे हैं, बोलने से पूछो, पूछ के देखो कौन आदमी दिया है, आप लोग पूछो। आस्को का मेंबर ही उसको अलॉटमेंट लिया है, आस्को का मेंबर ही उसको अलॉटमेंट लिया, पीएचए एक्शन का यहाँ में एक तो ट्रांसफॉर्मर एक तो है, ट्रांसफॉर्मर एक तो है उसका साइड को तो पूरा आस्को का मेंबर ही तो लेके रखा है वो पीएचए के एक्शन का। हम बोला ऐसे वालों को मत बनाओ बोला, हम साफर पाऊ लोगों को जैसे बनाओ बोला, हम क्या खराब बोला है। और हाँ, जो गवर्नमेंट का किसी चीज़ को नहीं करने वाले, गवर्नमेंट का सामान को चोरी नहीं कर, ऐसे तो बनाओ बोला, इसलिए ये हमको खराब पाता है। और कोई डीसी ने उन लोगों का एक जो रिक्वेस्ट अपील था कि उनका एक कमिटी सेटअप करे आस्को को बोला, हाँ तो वो डीसी ने अप्रूवल दे दिया है, तो वो चीज़ को लेके आप क्या बोलना चाहते हैं? तो अभी अभी दीसी जो अप्रूवल दिया, देखो आस्को को मेंशन किया फिर, तो आस्को का बॉस हम वही तो बोला कौन है, भारत सोनम, हम उसको नहीं मानते हैं। जब आस्को कोई मेंशन कर रहा है, आस्को तो बॉस तो भारत सोनम, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। और दीसी बड़ा है ना आस्को बड़ा है, दीसी का मतलब तो दीसी है ना। उसमें तो जो कमिटी में जो मेंबर्स डाला गया था ना, जो जो मेंबर्स हो गए इन्वेस्टिगेशन कमिटी का, तो वो उन लोगों का आप पहचानता है पर्सनली? सबको जानता है, सबको अच्छे से जानता है। तो आप उनको ट्रस्ट नहीं करते? नहीं नहीं, वो लोग किसी को हम ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि सब भारत को डरते हैं, हम जानते हैं अच्छे से जानते हैं। यहाँ से अगर आएगा या हम लोग अरुणाचल का कोई लोकल ऑफिसर होगा, हम क्लियरली बोला वो मैक्सिमम भारत सोनम को डरते हैं, हम उसको नहीं मानते। अगर जांच करवाना है तो बाहर से भेजिए। तो भारत सोनम क्यों इतना पावरफुल है? अरे एक इंसान जो आस्को चेयरमैन बनता है, एक एक इंसान जो ऑफिसर है, एक इंसान जो ऑफिसर हो के इतना सारा, आप लोगों को पहले से बताया कि इतना ओल्ड एज वाला को 25 ईयर से बोल के नौकरी लगाने वाले के पावरफुल नहीं है क्या? उसे पावर क्या चाहिए? आप लोग बोले उसे पावर क्या चाहिए? एम्बुश कर सकता है, एक आदमी एम्बुश कर सकता है, एम्बुश करने का बाद जाके फिर चीफ गेस्ट बन सकता है। एक आदमी एसपी का फोन, एसपी का तब तो नंबर को मांगो, एसपी को भी फोन किया है, बोला है एसपी का नंबर को मांगो, बार फोन किया नहीं किया, चलो तो एसपी को फोन कर सकता है, डीसी को कॉल कर सकता है, तो ऐसा वाले तो पावरफुल नहीं, तो उसको तो क्या बोलेंगे? तो अभी आपको हम यही बात बोल रहे हैं कि इतना लाख लोग को अगर जमा करते हैं, आस्को का चेयरमैन वो बैठा है, तो उस आदमी को लोग डरता है, लेकिन सोल नोदम नहीं डरता है। अभी अरुणाचल का जनता कोई नहीं डरता है, मरेगा लेकिन कोई नहीं डरता है, अभी इस कामिंग का लोग भी कोई नहीं डरता है। और आप लोग कोई पूछे, जैसे आपने कहा कि पहले तो एलिगेशन भारत सोनम को लग रहा था, लेकिन अभी आपका जो स्टेटमेंट आस्को की तरफ से आप कंडेम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जो रेस्ट ऑफ द मेंबर उसको भी आप बिलीव नहीं करते कह रहे हो, साथ ही साथ उनको भी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए आप बिलीव नहीं कर रहे। और आपने एक चीज़ मेंशन किया है कि काला बिल्ली जैसे रास्ता कट रहा है टू मीट ऑनरेबल सीएम को, तो ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद कह रहे हैं पैरेंटल बॉडी है, लेकिन फिर कमेटी बनाया जाएगा, फिर आप उसको भी नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे कह रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो उसको क्लियर। मेरा बात यही है कि यहाँ से एसआईटी गठन करिए, यहाँ से जाँच करने दीजिए, हम यही बात बोल रहे हैं कि अब आपको हम क्लियर बात बोल रहे हैं कि जो कोई पीछे में वो खड़ा रहा था, कोई वीडियो में हम देख खड़ा रहा था, उसका कुछ यहाँ हाईकोर्ट में केस है करप्शन में, उसका हम कैसे बिलीव करेगा, अभी आप बताइए। और जो एक बोलने वाला उसका कुछ जो वहाँ में ये क्या बोलते हैं वो हॉर्टिकल्चर का वो ये गाड़ी पार्किंग प्लेस को पीछे में पूरा बना के रखा है, उसका घर बना के रखा है, उसका हम कैसे बिलीव करेगा, अभी आप बताइए। लगाओ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा स्टेट मालूम हो जाए कि सोल दोनों गलती बोल रहे हैं वो। अभी डीसी बोले तो हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, जो डीसी जो बोलता है कि जब वो परमिशन देके हमको परमिशन देके जो प्रोटेक्शन हमको नहीं दे सकता है, उस डीसी को हम क्या भरोसा करें, बोलिए हमको वो खुद परमिशन देते रैली के लिए। हाँ अभी हम यहाँ में सेफ्टी है, यहाँ में हम सेफ्टी है, हम तलोपितम सर से बहुत भरोसा करते हैं, हमको यहाँ में पूरा सेफ्टी करके रख दिया, पूरा पुलिस दे के रखा है, हम अपना होम मिनिस्टर से भी यही अपील है कि हमको ऐसे सेफ्टी दे के रखा है, हम तो सेपा नहीं जगह में यही बैठे रहे, क्योंकि यहाँ में इतना पुलिस दे के रखा है स्टेट में, हम तलोपितम कैपिटल का डीसी और एसपी को यही पहले तो हम भी उम्मीद नहीं किया था ऐसा होगा, अभी मालूम है कि ये लोग इतना अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं, हम तो सेपा जाने वाला नहीं, यही बैठेगा, क्योंकि यहाँ में यही पूरा प्रोटेक्शन मिला था, हम यही बैठेगा, क्योंकि वहाँ में प्रोटेक्शन मेरा है ही नहीं। जब
और देसी ऑर्डर देते हैं लेकिन बाहर तो हम आदमी लगा कर मरवाते हैं, तो आप सोचिए मेरा कोई प्रोटेक्शन है क्या? और क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ये काफ़ी सोशल मीडिया में घूम रहा है ये बात जो ना, तो आई फील लाइक आई हैव टू मतलब पब्लिक का थ्रू से आपको पूछना है. ओके, तो सर आप जैसे कि यू कॉल योरसेल्फ एज अ सोशल एक्टिविस्ट ना, तो साथ ही साथ यू आर इलेक्टेड ग्राम पंचायत ना न्योरा बस्ती का, तो अभी आप ये सिलसिला पर ले जाएगा तो क्या आप विल यू रिज़ाइन द ग्राम पंचायत का पोस्ट को और सोशल एक्टिविस्ट का नाम से लेके आगे जाएगा? बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट कि अगर आप यू नो दैट समवेयर दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है, ओके, बिकॉज आप ऑलरेडी एक इलेक्टेड ग्राम पंचायत है पोस्ट. देखिए एक बार बता, हम ग्राम पंचायत तो सब जानते हैं, क्लियरली बता रहे हैं, और हम सोशल एक्टिविटी करते हैं. क्या पॉलिटिकल आदमी क्या सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकता है क्या? लोग का कहना है कि वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो. आप लोग बोले क्या पॉलिटिकल आदमी सिर्फ नौकरी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का नियम है पॉलिटिकल जो आदमी होता है वो सोशल वर्क कर सकता है. हम कोई पॉलिटिक्स से अगेन नहीं है. आज आप देखा होगा मेरा यहाँ में कोई बीजेपी का भी नहीं आता है, कोई कांग्रेस भी नहीं आता है, और कोई आम आदमी पार्टी कोई वो भी नहीं आता है. हम पहले से बोला हमको ये सब इंटरेस्ट नहीं है. आज हम पॉलिटिक्स बोल रहे हैं, हम पॉलिटिक्स का बात बोल रहे हैं. हम ग्राम पंचायत है मेरा बस्ती में, जब से हम हुआ तब देखिए सबसे अच्छा नरेगा बनाते हैं. नरेगा का जितना स्कीम है ना सबसे अच्छा रोल करता है. पहले तो स्कैमिंग में हम उसको भी दीदी को कंप्लेन किया है कि स्कैमिंग में जो ग्राम पंचायत लो है बूढ़ी बुढ़ाला से 2000 रुपये उतारता है. हाँ, 2000 रुपये उतारता है. हम दीदी को अभी वो कागज मेरे पास भी, हम कंप्लेन किया है, हम पीदी को भी कंप्लेन किया, ये लो 2000 रुपये उतारता है, उसको उतारते बंद कर दो बोल के. मेरा बस्ती में अभी नहीं उतारता है, गरीब आदमी का पैसा नहीं उतारता अभी. मेरा बस्ती में बिना फ्री से बिना करप्शन से जैसे ही पेमा कांडू सरकार ने चेंगता जो में बोला है कि जीरो टॉलरेंस जीरो करप्शन बोला है, बामिन में भी वही बोला है. हम तो इतना अगर आता नहीं और यहाँ का बात सुनता है, वहाँ में जैसे पेमा कांडू सर बोला है हम वही करते हैं. मेरे बस्ती में भी जीरो करप्शन जीरो टॉलरेंस क्लियरली बता रहा है. मेरा अभी बस्ती में एक भी आदमी को अगर ग्राम पंचायत मेरा दो है अगर डोनेशन मांगेगा तो हम क्लियर बताएं एफ आई आर लॉन्च करेगा बोलते हैं. क्यों बूढ़ी बूढ़े से पैसा मांगेगा? अभी आप लोग बोले कि पॉलिटिक्स क्या, हम ग्राम में तो क्या हम सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, मेरा संविधान मेरा हक है. हम सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते. और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, तो इसमें आप ये जो आपका जो मुद्दा है इसको आप कंसर्न एमएलए को क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, सिर्फ भारत सोनम को ही क्यों बोल रहे हो? कौन सा एमएलए को कंसर्न? एमएलए सपा का एमएलए मेरा सामने में खुद भारत को बोला है, डीसी हम लोग का सामने में उस समय खुद वो दोनों का एग्रीमेंट है. 2022 का मार्च में कंप्लीट करेगा बोल. अभी एमएलए क्यों क्वेश्चन कर देगा? ये तो गलत है. अगर जबकि एमएलए से क्लियर हो गया, एमएलए वहाँ में दोनों का पूरा एग्रीमेंट है, दोनों का पूरा एग्रीमेंट है कि 2022 तक कंप्लीट कर देगा. अभी एमएलए को क्यों हम बोल देगा? जो गलत है उसको तो बोलेगा ना, एमएलए को तो हम नहीं बोल सकते. अरे कोई भी एमएलए को हम एलिगेशन जानता नहीं लगा सकते, वो तो गलत बात है. जो गलत ऑफिसर है उसको तो एलिगेशन लगाएगा, उसको तो बोलेगा. पूरा लिखा है, एक्शन तो पूरा लिखा है. तो बेसिकली अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से अगर एसआईटी चार्ज आपने जो रखा है डिमांड अगर करता है तो आपका ये जो धरना बैठे है वो आप कॉल ऑफ करोगे? अगर एसआईटी करता है और डीसी को ट्रांसफर करता है बोलते हम क्यों नहीं करेगा? और जो लड़का लोग को मेरे जो भाई लोग को मार करने वाले, इसका माता को देखो, पहले से बता रहे ये लड़का का माता को देखो, माता का फट के रखा है, दाऊ से मारा, मेरा गाड़ी का हालत देखो, मार के रखा है. तो अगर वो लोग अगर री एफ आई आर करेगा, अगर एसपी लेवल का जांच होगा तो हम क्यों नहीं करेगा? और उसको ऐसे ही जांच कर दे तो भारत होना ऊपर में इतना करोड़ का प्रॉपर्टी बनाए, हम आप एक गिन के प्रॉपर्टी बता सकते हैं. हाँ, इसलिए हमको ये क्लियर है, मेरा यही इस एस आई टी गठन जाँच करवाओ, उसके बाद मेरा लड़का लोग को जो एफ आई आर है उसको री एफ आई आर लिखो, उसके बाद ये हम लोग को जो ये जो प्रॉपर जो एक्शन होता है, भारत तो नंत एक्शन नहीं है, वो यही है आपको हम बता रहे, यही है वो एक्शन के चरण में 7 साल 2015 का नवीन भारत से वो बैठा हुआ है. अभी सोचिए 7 साल में क्या क्या है, वो करप्शन तो क्या है, 7 साल में वो कितना प्रॉपर्टी बनाई है, अब सोचिए. इसलिए मेरा ये सोच है कि एसआईटी जांच करना उस आदमी को, उसके बाद जो जितना नौकरी दे उसको एसआईटी जांच करना चाहिए, उम्र कितना है क्या है कौन है जांच करना चाहिए. उसके बाद डीसी जो, क्योंकि डीसी जो हमारा वहाँ में पब्लिक का सोच में कामयाब नहीं, इसलिए डीसी को ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो हम लोग पब्लिक का डिमांड है वही है. उसके बाद मैं हम क्यों कॉल ऑफ नहीं करें, कर ले मिस्टर. तो हाल ही में डीसी ने सेपा का डीसी ने ऐसे रिसेंटली कुछ उसने कुछ एक इंटरव्यू रखा था, उसमें उसने बोला कि चलो आप जो भी कर रहे हैं बट इट इज़ वेरी अनफेयर टू आप उसको
एज ए सोशल एक्टिविस्ट यू नो किसी का ऊपर मैं पर्सनल रिमार्क्स करना है तो सोल दोदुम बीइंग एन सोशल एक्टिविस्ट आपको क्या इतना जायज है कि आप किसी और के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स देना इसका इसके बारे में आप कैसे एक्सप्लेन करिए। देखिए हम पहले से आगे भी बाद में बोला था कि हम एक दो वर्ड कॉमेंट किया था जो इतना सारा क्वेश्चन हो गया था कि हम समझ में नहीं थे किसको वहाँ से लेकर पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक मीडिया तो मेरा दिमाग घूम गया तो हम बोला है हम बोला इसी के ऊपर में हम बोला हम जूर नहीं बोला हम बोला है। उसके बाद हम अभी भी बोला है कि चलो वो गलती हो गया ठीक है। उसके बाद हम ये बात बोल रहे हैं कि दीदी जो सेकेंड जो स्टेप लिया है वो गलत है। अभी आप लोग सुना होगा जो रास्ता बनाया है पूरा खराब हो गया रात जो रास्ता बनाया वो खराब हो गया। आप लोग मीडिया एक बार जाना चाहिए हम तो यही सोचते हैं यही सारा मीडिया एक बार जाके डीसी से भी इंटरव्यू ले लेने तो अच्छा है भारत होनम से भी इंटरव्यू ले लेने तो अच्छा है वही इतना ना खर्चा नहीं।